राम राम भाई साहब। राम राम जी। जय गौ माता। जय गौ माता जी। तो भाई साहब अपना शुभ नाम और एड्रेस बताएं जी। मेरा नाम जीतू चौहान है जी। जी। जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान, और विलेज है मेरा 16Z। और श्री गंगानगर के मेन रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से कितनी दूरी है जी? यही मात्र 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। और बाया कौन सी रोड आती है? ये कर्णपुर बाया जी, जेट माइनर। अच्छा जी, तो मतलब बस स्टैंड से कोई भाई आए तो वहाँ से बस से भी आती है और बस से भी आती है जी। और अगर मान लो बस स्टैंड पे कॉल कर दे जी, 5 मिनट में अपनी गाड़ी जाके वहाँ से आप पिकअप करके ले भी आओगे। हाँ जी ले आएंगे। तो भाई साहब जैसे आज की वीडियो में कितनी गायें दिखाओगे? आज जी 4 दिखा रहे हैं जी, 5 दिखा रहे हैं, साहीवाल ही है जी, पांचों साहीवाल में ही है। तो जैसे ज्यादातर देसी ब्रीड की गायें मैं देख रहा हूँ, तो देसी ब्रीड पर ज्यादा काम है जी? हाँ जी, अपना देसी पे है जी, एचएफ जर्सी का काम नहीं है अपना। जैसे राठी, साहिवाल, थारपारकर, गदरी राठी, चोलिस्तानी, रेड सिंधी, स्वर्ण कपिला, यानी कि देसी ब्रीड में भी जो भी नस्ल होती है वो सब आप कोई भाई कस्टमर लेना चाहे तो आप अवेलेबल करवा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे जी। यहाँ पे आके भी अगर कोई लेना चाहता है तो भी किसानों से दिला सकते हैं, अपने से पसंद नहीं आती है। अच्छा जी। और अगर अपने फार्म से पसंद आती है तो अपने फार्म से ही दिला देंगे। अच्छा जी। जैसे आज अपने पास दिल्ली से कस्टमर आए हुए थे सुबह। जी जी। तो उनको दो अपने से पसंद आई, दो गाय लेके वो चले भी गए। अच्छा जी। तो भाई साहब ट्रांसपोर्ट की सुविधा जी? ट्रांसपोर्ट की सुविधा ऑल इंडिया के लिए अवेलेबल है जी। ऑल इंडिया के लिए उपलब्ध है जी, ऑल इंडिया के लिए। और जैसे ऑनलाइन जैसे अपने वीडियो यूट्यूब पर बना रहे हैं तो पैसों का क्या प्रोसीजर रहेगा जी? सर जी अपना कोई नया काम नहीं है, अपना महादेव डेयरी फार्म के नाम से सर्च मार सकते हैं यूट्यूब पे। जी जी। लगभग अपनी सैकड़ों वीडियो लगी हुई है। अच्छा जी। हाँ जी, महादेव डेयरी फार्म के नाम से जी। और अगर कोई ऑनलाइन लेना चाहता तो ऑनलाइन की सुविधा है जी। जी। ऑफलाइन लेना चाहता तो ऑफलाइन की भी है, यानी कि जैसे मानते जी खुद यहाँ पे आके विजिट करके खरीद के देख के लेके जाओ जी। आपकी तरफ से खुली छूट है, बाकी जैसे कस्टमर की इच्छा हो वैसे वो एनिमल ले सकता है यानी कि। अच्छा जी। तो जीतू जी अपना मोबाइल नंबर भी बताए जी। मोबाइल नंबर मेरा जी 8290570305, यही व्हाट्सएप है जी, यही कॉलिंग है। तो यह नंबर व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर भी मेंशन होंगे। तो सभी पशुपालक भाइयों को राम राम, नमस्कार। मैं संदीप स्वामी स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो भाई आज हमारी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन घंटी के निशान के ऊपर जरूर से क्लिक करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप एक अच्छे पशुधन का चुनाव कर सकें। तो हाँ जी जीतू जी, भाई साहब सबसे पहले कौन सी गाय की डिटेल बताओ जी? ये फर्स्ट टाइमर है जी। अच्छा जी, फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट लैक्टेशन में है। फर्स्ट टाइमर है, दो ही दांत बछिया है, मुंह से दो दांत है, दो दांत है और नीचे बछड़ा है जी। अच्छा जी, नीचे मेल का बछड़ा है। हाँ जी। और कौन सी नस्ल में है जी? ये साहिवाल नस्ल में है जी, और फर्स्ट टाइमर ब्याई हुई है, 7 दिन की है। साहिवाल नस्ल में फर्स्ट टाइमर की 7 दिन की ब्याई हुई है। हाँ जी। अच्छा जी। तो भाई साहब जैसे इसका व्हाइट पन है तो ऐसी साहिवाल में तो जैसे पूरा रेड कलर होता है भाई साहब? साहिवाल में व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं। अच्छा जी। नीचे की तरफ से जैसे पैरों के पास। हाँ जी। हाँ जी। के बीच में जी जी साहिवाल में आती है जी। अच्छा जी। साहिवाल की यही निशानी होती है, जो इनके ये सींग नहीं निकलते, बिल्कुल इतने ही रहेंगे। अच्छा जी। ये बड़े नहीं होंगे। तो मीडियम हाइट लेंथ की छोटी सी बच्चिया, छोटी सी बच्ची है जी जी, मुंह से अभी दो दांत है। बड़ी बच्चिया नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, बहुत बड़ी हाइट लेंथ, बिल्कुल मीडियम साइज की है, कोई ज्यादा बड़ी हाइट नहीं, क्योंकि अभी तो नया धन्य ग्रोथ करेंगे। जी जी। बाकी जो भाई जैसे जिनके घर पर थोड़ी जगह होती है, शहर में सिटी में जो इंसान रहते हैं उनके लिए अच्छी गाय है? उनके लिए बहुत अच्छी है, जिन्हें एक ही गाय रखनी है, क्योंकि इसके दूध से उनके घर का लालन पालन पोषण भी हो जाएगा। अच्छा। और घर में दूध भी बरकत। हाँ जी, तो उनके लिए काफी अच्छी है। तो भाई साहब अभी कितना दूध इसके तैयार है जी? अभी इसके लिए 10 लीटर तैयार है जी। 10 लीटर पर डे का दूध तैयार है। कोई भी भाई आके दूध निकाल के ले जा सकता है और वीडियो कॉल पे भी दे सकता है। जी जी। मिल्किंग, और मिल्किंग भैया उसको ही दिखाई जाएगी जो टोकन मनी लगाएगा। यानी कि जो भाई इस गाय को लेने का इच्छुक हो तो वो सबसे पहले इस गाय की टोकन मनी करे। टोकन मनी लगेगी। ऐसे बहुत फोन आते हैं जी हमें। जी जी। वीडियो कॉल पे दूध दिखाओ, वीडियो कॉल पे, क्योंकि भाई साहब दिन में 400 फोन आएंगे। हाँ जी। हाँ जी। अभी 400 को कैसे वीडियो कॉल पे दिखा देंगे? सही है भाई साहब, बाद वाली बात अगर पहले की होती है तो ना परेशान होगे ना कस्टमर परेशान होता। वही तो हम बोलते हैं जी, फोन हमें वही करे जिसने गाय परचेज करनी हो। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे कुछ लोग होते हैं जी, फ्री होते हैं, टाइम पास के लिए फोन कर लेते हैं, लेना कुछ नहीं होता। जी जी। तो उनके लिए भी ये बोल रहे हैं कि जिसने गाय खरीदनी है, हाँ जी, टोकन मनी लगा के 2 टाइम 4 टाइम जी जी वो अपनी इच्छा है उतने टाइम दूर निकाल के दे सकते हैं। तो दोस्तों ऑर्डर क्वालिटी देख सकते हैं, मुट्ठी वाले थन है, चारों थनों के बीच में गैप देख सकते हैं,
दो दांत की बच्ची है, तो भाई साहब 10 लीटर आप बता रहे हो पर डे का भी दूध तैयार है, तो दूध और भी बना देगी जी? दूध बनाएगी जी, 12 लीटर दूध दे देगी, इसकी माँ का 20 लीटर रिकॉर्ड है दूध का। अच्छा जी, 12 लीटर ये इस ब्यांत में निकाल देगी। निकाल देगी। और भाई साहब जैसे इन गायों में जैसे दूध की जो मात्रा होती है उन्हें फैट परसेंट भी काफी अच्छी रहती है? फैट अच्छी आती है, 0.7-0.8 आती है। अच्छा जी, यानी कि 7-8 तक चली जाती है, इसके बराबर रहती है। अच्छा जी, यानी कि भैंस जैसा ही दूध होता है? हाँ जी, A2 मिल्क होता है जी। जी, और भाई साहब इसका प्राइस क्या रहेगा जी? प्राइस इसका मात्र 28,000 रुपए। मात्र 28,000 रुपए। तो दोस्तों बिल्कुल रिजनेबल प्राइस के अंदर यह गाय सेल के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। नीचे भाई साहब के स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, तो जो भाई लेने का इच्छुक हो तो भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। दो दांत की बची है, 10 लीटर पर डे का दूध तैयार है, पीछे मेल का बछड़ा है और कीमत मात्र 28,000 रुपए जी। भाई साहब इससे आगे दूसरे नंबर पर ये भी साहिवाल नस्ल है जी। अच्छा जी, ये भी फर्स्ट टाइम पर बछड़ी है, ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चा देने वाली है। बिल्कुल फर्स्ट है जी, बगैर सिंगों की है जी, कोई सिंग नहीं है इसके, आप देख सकते हो। हाँ जी हाँ जी, और अभी लगभग इसे प्याने में 1 सप्ताह पड़ा है। 1 सप्ताह पड़ा है। हाँ जी, बारीक कलकंबल देख सकते हैं दोस्तों, अडर क्वालिटी, थनों का जो गैप है काफी अच्छे, मुठिया थन इस बच्चिया ने ग्रोथ किए हैं, आप भाइयों सामने हैं और पूरी डिटेल लेंगे भाई साहब से। हाँ जी भाई साहब, तो कितना समय बाकी है जी अभी इसको? भाई साहब अभी 1 सप्ताह ले जाएगी, आप ये देख सकते हो अडर भी इसका स्टार्ट है। अच्छा जी हाँ जी, और ये पैरों पे रस्सी इसीलिए बांधी हुई है कि ये न्याणे की हलकत ना करे, यानी कि जैसे पैर बांध कर अपने दूध निकालते हैं तो उसमें बाद में के खटपट ना करे, कोई चिड़चिड़ा स्वभाव ना रहे, क्योंकि उसके बांधी हुई थी जी। जी, वो बिल्कुल कोई पैर नहीं मारती है जी। जी, रस्सी खोल दी गई, अभी इसकी जब ब्याह जाएगी उसके टाइम इसकी रस्सी खोल देगी। और अडर में सलवटे देख सकते हैं दोस्तों, काफी शानदार, इस बच्चिया का जैसे डिलीवरी टाइम नजदीक आ जाएगा तो काफी अच्छा अडर ग्रोथ करेगी, बहुत अडर उतारेगी जी। इसकी माँ का दूध रिकॉर्ड है जी 22 लीटर 500 ग्राम। अच्छा जी, अच्छा जी, तो इससे भी पहले ब्यांत में 14 लीटर दूध की उम्मीद है, 14 लीटर निकाल देगी, पहले ब्यांत में 14 लीटर दूध देगी जी, अच्छी अगर इसकी केयर करेगा तो। हाँ जी हाँ जी, बाकी सेवा पर है जी, दूध खाए पीने पे है जी, अगर जी जी आगे कुछ डालेंगे नहीं तो कहां से देगी। हाँ जी हाँ जी, तो भाई साहब जैसे ये प्रेग्नेंट है, कोई भी भाई जैसे प्रेग्नेंट लेता है तो इसकी क्या क्या गारंटी करोगे जी? भाई साहब थनों की गारंटी रहेगी अपनी जी। जी, गाय चूंगती हो, हाँ जी, गाय बाहर निकालती हो, हाँ जी ठीक है, गाय दूध निकालने में आना का नहीं करती हो, पूरा पैसा दे देंगे, गाय वापस मंगा लेंगे। अच्छा जी, दूध की गारंटी नहीं होगी, दूध है जी अपने खाने पे। हाँ, दूध खिलाई पिलाई का है, दूध की हम गारंटी नहीं। अगर यानी कि जैसे ये बंद मुट्ठी है, अगर कोई थनों में कोई बाहर पीछा निकाले इसकी आपकी पूरी गारंटी रहेगी, पूरा पैसा विद ट्रांसपोर्ट का भाड़ा हम दे देंगे। ठीक है भाई, इसका प्राइस जी? इसका प्राइस 35,000 रुपए। 35,000 रुपए, तो मात्र 35,000 रुपए प्राइस है दोस्तों, काफी अच्छी बची है ये भी। इससे आगे भाई साहब ये सेकंड बार की है जी। अच्छा जी, ये भी साहिवाल नस्ल है जी, और इसको ब्याने में लगभग 25 से 30 दिन बाकी है, यानी 1 महीना ड्यू है। हाँ जी हाँ जी, अभी अडर स्टार्ट होगा ये आप देख सकते। हाँ जी हाँ जी, और बिल्कुल शांत स्वभाव की है जी। जी, फर्स्ट बार में इसने दूध दिया है जी 14 लीटर। तो दोस्तों देख सकते हैं बारीक गलकंबल, हम्प साइज देख सकते हैं, नाप भी देख सकते हैं, अडर कोटेज है, चारों थनों के बीच में काफी अच्छे मुठिया थन है। 1 महीना अभी गाय को बच्चा देने के अंदर बाकी है। जो भाई जैसे हमारी वीडियो महाराष्ट्र, MP, हैदराबाद, कर्नाटका, इस साइड के जो व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए काफी अच्छी गाय है, क्योंकि ऐसी गाय ट्रांसपोर्टेशन में ना तो इनको कोई दिक्कत आती है, और जो मिल्किंग वाली अगर गाय लेते हो तो रास्ते में बच्चा या फिर जैसे मिल्किंग कम हो जाती है तो ये आपके वहां पर आके क्लाइमेट में भी सूट हो जाती है। इसलिए ऐसी 1 महीना 20 दिन गाय को बच्चा देने में बाकी होता है तो ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, सही ना भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, अपनी कल ही गाड़ी भर के गई है जी महाराष्ट्र। हाँ जी, तो उसके अंदर 9 की 9 गाय प्रेग्नेंट गई है जी। अच्छा जी, जिसको 25 और 30 दिन बाकी हो। अच्छा जी, वही गाय 9 की 9 प्रेग्नेंट गई है जी। और हम तो यही बोलते हैं कि जो ब्याई हुई गाय लेता है दूर में, हाँ जी हाँ जी, दूर वाले के वो वहाँ पे कम्फर्टेबल नहीं होती जी। हाँ जी हाँ जी, और ये सफर के अंदर कम्फर्टेबल रहती है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि इनमें वीकनेस नहीं आती, क्योंकि ये ना तो इनकी कैल्शियम कम होती है जी, और जैसे इन्होंने सफर किया है जी जी, तो वैसे की वैसे इन्होंने दूसरे दिन लोड हो जाना है। हाँ जी, ब्याई हुई गाय को अपने लेके जाएंगे तो उनका फिर पूरी रात खड़े रहना पड़ता है जी जी, और दिन में दूध निकालते वो कैल्शियम उनका डोन होता जाता है। हाँ जी हाँ जी, और वहाँ पे जाके फिर वो सेट नहीं होती। हाँ, ऐसी गाय जैसे महीना बाकी हो तो उनके घर पर जाके 20 दिन गाय रहती है तो उनके खान पान में, उनके क्लाइमेट में जी जी सब उनको सूट हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, फिर वो गाय वहाँ पे
कम से कम मान लो महीने की है जी जी, 5 दिन जाने के लगते हैं जी जी, 25 दिन वहाँ पे सेट हो जाती है जी जी, वहाँ का पूरा उसको टेम्परेचर वगैरह सब सेट हो जाता है, उनकी भाषा वगैरह सब कुछ गाय उनमें मतलब घुल मिल जाती है, घुल मिल जाती है, फिर जब ब्याती है कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर यही अगर ब्याई हुई गाय लेके जाते हैं तो वो वहां पर जाके 5-7 दिन वैसे मन नहीं लगाती, उनकी भाषा भी नहीं समझ आती, तो वो गाय खराब हो जाती है, जो मान लो इधर अपने दूध निकाल के दे देंगे। हाँ जी हाँ जी, लेकिन जिसका यहाँ पे 16 लीटर निकालेंगे वो वहाँ पे जाके 12 ही देगी जी जी, फिर कस्टमर बोलता है कि आपने 16 बोला था जी, हाँ जी हाँ जी, और ये तो 10-12 ही दे रही है जी जी, नहीं आ रही, और वो उतना केयर नहीं कर पाते जितनी अपने इधर होती है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं है। वो ऐसी बात जो कस्टमर बोलते हैं तो उनको मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ पर खुद विजिट कर कर देख कर लेके जाया करो, क्योंकि मिल्किंग वाली गायों की अगर 2 टाइम मिल्किंग देखोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैंने वहाँ पर निकाला है और मेरे घर पर मेरे सेवा में कोई कमी है, इसलिए नहीं दे रही। शांत स्वभाव की होनी चाहिए जी। हाँ जी हाँ जी, कम दूध दे दे जी जी, अभी इसका इतना शांत स्वभाव है चाहे इसके नीचे बच्चों को बिठा देना। हाँ जी हाँ जी, ऐसे नहीं की लात ही मार जाएगी। तो इसकी भी भाई साहब जैसे प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट में पूरी गारंटी रहेगी, फुल गारंटी रहेगी जी, थनों की, बाहर निकालने की, चुंगने की पूरी। अच्छा जी हाँ जी, और ये कितना दूध निकाल देगी जी? ये 16 लीटर, 16 लीटर पर डे का दूध निकाल देगी। और ब्यांत कौन सा जी इसका? सेकंड ब्यांत है, सेकंड ब्यांत है। और इसका प्राइस भाई साहब? इसका 38 है जी, 38, 38,000 रुपए। 38,000। तो जैसे भाई साहब ऐसी गाय जैसे और भी कस्टमर जैसे पूरी पूरी गाड़ी लोट लेना चाहे ऐसी कच्ची गायों का तो मिल जाएगी? अच्छा जी, इसी रेंज में करवा देंगे जी, एक लोड माल अगर कोई लेना चाहता है। अच्छा जी, तो अपने दिला सकते हैं, क्योंकि अपनी हैदराबाद, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, बेंगलोर जी, और इधर आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में, पुणे में, नासिक में, जलगांव में और जाफराबाद, मेरे इतने कस्टमर है कि भाई साहब उनके पास ऑनलाइन ही गाय जाती है मेरी। यानी कि ऑल इंडिया में आपने गाय भेजी हुई है? जी भेजी हुई है जी। अगर कोई भी भाई जैसे किसी भी स्टेट से वीडियो देखकर अगर कोई भाई गारंटी आपके लेना चाहे तो वहाँ से आप बात भी करा दोगे? बात भी करवा देते हैं, और क्योंकि अपना अगर अच्छा काम कर रहे हैं सर तभी अपने से कोई इतने कस्टमर गाय ले रहा है। हाँ जी हाँ जी, अगर अपना गलत काम करेंगे, किसी का पैसा खा लेंगे, हाँ जी हाँ जी, अपने से कौन गाय लेगा जी जी, कोई नहीं लेगा जी। तो भाई साहब जैसे बाहर से आप गाय दिलाओगे कस्टमर को तो उसका क्या चार्ज रहेगा जी? 1,000 रुपए जी, 1,000 रुपए पर गाय का? पर गाय का 1,000 रुपए होता है जी। अच्छा जी, गाड़ी अपनी होती है, उसमें डीजल तेल अगलेगा जलेगा, गाड़ी आपकी होगी। चाहे वो 1,000 किलोमीटर कहेगा तो 1,000 किलोमीटर उसको फील्ड में घुमा देंगे। अच्छा जी ठीक है, वो जितनी कहेगा तेल उसका जलेगा, एक गाय के पीछे 1,000 रुपए लेंगे। तो जैसे उसको खाने पीने का कोई चार्ज नहीं, रहने सहने का, खाने पीने का कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। वो देखो जी, जो अतिथि होते हैं जैसे ग्राहक, वो भगवान का रूप होता है जी जी, खाने का कोई पैसा नहीं है, रहने का कोई पैसा नहीं, पूरी व्यवस्था है रहने सहने की जी जी। तो जैसे भाई साहब उनको 9 गायें लेनी है तो बार फील्ड में उनको जैसे कितनी गायें दिखा दोगे आप? भाई साहब 9 गाय लेनी तो उसको कम से कम फील्ड के अंदर 400 गाय दिखाएंगे, 400 गाय दिखा दोगे, 400 में 9 गाय सिलेक्ट करवाएंगे, 9 गायें उसकी मन पसंद की वो ले सकता है। अच्छा जी, चाहे उसको एक दिन में पसंद आ जाए चाहे एक हफ्ते में पसंद आ जाए। अच्छा जी, दिला के इधर से भेजेंगे, ऐसे नहीं होगा ग्राहक इतनी दूर से आएगा तो असंतुष्ट हो जाएगा जी जी, संतुष्ट करके ही भेजेंगे उसकी ग्राहक की, यानी कि पूरी तसल्ली पूरी संतुष्टि कराएगी। हाँ, अगर किसान से भी दिलाएंगे ना तो किसान के घर से भी फुल गारंटी लेके दिलाएंगे। अच्छा जी, ऐसे नहीं होगा कि कोई गारंटी नहीं होगी, फुल यानी कि प्रेग्नेंट गाय है तो प्रेग्नेंसी चेक करवा के दिलाओगे, टीट्स वगैरह सब कुछ चेक करवा के, थनों की, बाहर निकालने की, चुंगने की फुल गारंटी। ठीक है भाई साहब, इससे आगे जी? इससे आगे तो एक ये नियाम नगीना है जी। अच्छा जी हाँ जी, यानी कि आज की वीडियो में सबसे अच्छी और सबसे टॉप और नियाम नगीना आपने बता ही दिया। तो दोस्तों गायें देख सकते हैं हाथी जैसी गायें हैं, पीट पुठा, हाइट लंबाई आप भाइयों के सामने है, बहुत शानदार गायें हैं। तो भाई साहब इसकी ब्रीड क्या है जी? ये स्वर्ण कपिला साहिवाल है जी, स्वर्ण कपिला साहिवाल, यानी कि गायों में अंदर एक दुर्लभ नस्ल है, दुर्लभ ये तो बहुत ही शानदार नस्ल होती है जी। अच्छा जी, और इसका जो दूध होता है जी, उसकी जो गुणवत्ता है जी, बहुत ही ज्यादा है, वो आयुर्वेदिक में इसकी दूध की जो होती है वो दूध काम आता है। अच्छा जी हाँ जी, तो भाई साहब इसको खोल के चलाना जी सबसे पहले, तो बिल्कुल दिखाती हूं जी, देखो हाथी भी इसके आगे फेल है जी। तो दोस्तों हाइट लंबाई गाय की देख सकते हैं, भारी गलकंबल, डब्ल्यू शेप में नाभी, अडर को टच करती हुई आप भाइयों के सामने है, ये 100% शुद्ध साहिवाल गाय की निशानी रहती है, मुट्ठी वाले सींग है, आंखें देख सकते हैं जैसे आंखों में जैसे काजल डाला हुआ आप भाइयों के सामने है। तो हाँ जी भाई साहब, ये कौन से ब्यांत में है जी? ये प्योर दूसरे ब्यांत में ओरिजिनल ब्याएगी। अच्छा जी हाँ जी, दूसरे ब्यांत में ओरिजिनल ब्याएगी, ओरिजिनल ब्याएगी, काफी बड़ी गाय है ना? बहुत बड़ी है, दूसरी वाली गाय दिखेगी नहीं आप? हाँ जी हाँ जी, दूसरी गाय दिखती नहीं इसके पीछे, सब फेल है इसके आगे। तो दोस्तों इसके चारों थनों के बीच में गैप देख सकते हैं, काफी शानदार है,
अदर क्वालिटी आप भाई के सामने है फिर से। तो भाई साहब बहुत ही शानदार है जी, दूध की 24 लीटर की गारंटी है जी इसकी, 24 लीटर की, 24 लीटर अभी एक हफ्ते ब्याएगी नहीं है, एक सप्ताह अभी बच्चा देने के अंदर बाकी है। झोली नहीं, झोला लगा हुआ है इसके नीचे। अच्छा जी, हाँ जी, यानी कि जो ऑर्डर ग्रोथ करेगी वो टैंक साइज ही हो जाएगा। टैंक साइज भी मैं बोल रहा हूँ जी, झोली नहीं है, झोला है। अच्छा जी, आप अभी देख सकते हो, तो इसने दूध देखने वाला था भी बोल देगा जी हाँ जी 24 लीटर दे देगी। हाँ निकाल देगी भाई साहब, मेरा भी अनुमान कहता है, क्योंकि जैसी गाय भारी वजन वाली गाय है और गाय भी बहुत अच्छी है, थनों का बीच में गैप और थन भी काफी अच्छा मुट्ठीदार लगा हुआ है, कलर बहुत प्यारा है जी। हाँ जी, हाँ जी, गोल्डन कलर में। जी जी, और स्वभाव देखिए कितना शांत है, ये रस्सी खोल के छोड़ दी देखो। जी जी, जैसे इस पे हाथ फेरेंगे वैसे गर्दन ऊपर उठाएगी। जी जी, और अच्छे घर से लेके आए हैं, परवरिश बहुत उसने की हुई है इसकी। अच्छा जी, मतलब उसने अपने बच्चों की तरह इसको पाला है। अच्छा जी, तो उसने यही बोला कि भैया किसी को भी दो। जी जी, तो ऐसे आदमी को देना चाहे 2000 रुपये कम ले लेना। जी जी, लेकिन जो शौकीन हो। जी जी, और ब्रीड का शौकीन हो उसको नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज है ये। बाकी भाई साहब ऐसी गायें जो भाई देखेगा उनको एक नजर में ही पता चल जाता है। एक और बात, जी जी, दूर गाय नहीं देंगे हम। हाँ जी, ये देंगे जी 500-700 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि पंजाब हरियाणा दिल्ली इधर के क्षेत्र के अंदर, महाराष्ट्र तमिलनाडु केरला उधर नहीं दूंगा इस गाय को। हाँ जी, हाँ जी, इस गाय को मैं दूंगा जी मेरे नजदीक के जो 500-600 किलोमीटर के। जी जी, वो बंदा मेरे को 2 महीने के बाद इसको दिखाए। अच्छा जी, उसको दूंगा। अच्छा जी, ये भी इसकी गारंटी लूंगा, फिर दूंगा जी। अच्छा जी, क्योंकि अपने भी उससे को ये बोल के लेके आए हैं कि चाहे तू हमें 2 महीने के बाद कॉल कर लेना। जी, तेरी गाय तेरे को दिखाएंगे। अच्छा जी, तो भाई साहब आपने इसकी डिटेल बता दी, दूसरे ब्यांत में जैसे एक सप्ताह बता रहे हो बच्चा देने के अंदर बाकी है और 24 लीटर दूध क्षमता बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी भाई खरीदना चाहता है, पसंद हो, जी, मैग्नेट का सौदा करना चाहता है, जी, तो अपने को आधी पेमेंट दे दे। जी, दूसरे 2 दिन की ब्याई के नीचे 10-10 लीटर दूध निकाल के दे दूंगा, यानी कि बच्चा देने के बाद में भी वो भाई लेके जा सकता है, लेके जा सकता है। इसकी पक्की साई डाल दे, यानी कि हाफ पेमेंट होगी जी। अच्छा, हाफ पेमेंट, पक्की साई तो कोई बोलता है 1000 डाल देंगे, 5000। जी जी, 1.25 लाख की गाय है, उसका 5000 रुपए क्या करेंगे जी। सही बात है जी, कम से कम लेंगे 60000 रुपए। अच्छा जी, हाफ पेमेंट। तो भाई साहब इसका प्राइस क्या रहेगा जी? प्राइस इसका जी, अगर तो जे तो कोई भाई इसको ट्रांसपोर्ट फ्री के साथ मांगता है तो 1,25,000 में घर में पहुंचा दूंगा। अच्छा जी, हाँ जी, और अगर ट्रांसपोर्ट के बिना मांगता तो 1,10,000 रुपए। यहाँ का आपके फार्म का प्राइस है 1,10,000 रुपये। तो 1,10,000 रुपये दोस्तों इसका प्राइस है, तो 1,10,000 रुपये में बार्गेनिंग हो जाएगी। कोई मान सम्मान नहीं होएगा जी, क्योंकि आप देख लो खुद इतनी बड़ी गाय। हाँ जी, हाँ जी, क्या इसका रेट तो अनमोल है। हाँ जी, गायों के लोग 1.5-1.5 लाख 2-2 लाख रुपए मांगते हैं जी। हाँ, मिलती भी अच्छी गाय, रेयर मिलती है। जी जी, काम करते हैं उनको पता है। जी जी, कोई बंदा ले सकता है जी, वो भी ऐसी गायों के 1.5-2.2 लाख मांगता है। जी जी, लेकिन अपने तो देखो जी कम रेट मांगा, इसलिए कि इसको इधर का किसान ले ले। हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा और राजस्थान का या दिल्ली का बंदा ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, मान सम्मान कर देंगे। जी जी, तो दोस्तों आज की वीडियो में ये 4 गायें सेल के लिए उपलब्ध थी, चारों की आपको प्रॉपर जानकारी दी गई है। तो जो भाई लेने का इच्छुक हो तो भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से भाई साहब अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस बता दो जी। नाम मेरा जीतू चौहान है जी, जी, श्री गंगानगर जी, स्टेट राजस्थान है जी, और विलेज 16Z है। मोबाइल नंबर मेरा जी 8290570305, ये नंबर है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।